आप लोग की बहुत सारी समस्याएं थी और आप लोग कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे मैसेज करके और उन समस्याओं का समाधान मांग रहे थे, तो मैंने भी लगा दिया फोन सीआरसीएस ऑफिस में और आपकी समस्याओं को उनके सामने रखा और क्या मुझे जवाब मिला ये सारा रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा। आपकी समस्याएं थी जैसे कि अगर डिपॉजिटर मर गया है तो नॉमिनी कैसे आवेदन करेगा, अगर आपके नाम में मिसमैच है, अगर कोई लेटर आपका मिसमैच है आधार में और बॉन्ड में तो आप कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, आपका सहारियन का पॉइंट जो है किसी सर्टिफिकेट में पॉइंट में दिया है किसी अमाउंट में दिया है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसी तमाम क्वेश्चन थे जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछ रहे थे जिसका जवाब मैंने सीआरसीएस ऑफिस से लेना चाहा। बहुत देर तक बात हुई मेरे और सीआरसीएस के ऑफिसर में, तो आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, लेकिन एक बात है कि वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, क्योंकि लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो पूछने जरूरी थे तो मैंने पूछे थे और रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरे रिकॉर्डिंग का हाफ पार्ट आज अपलोड करूंगा और फिर हाफ पार्ट मैं अगली बार अपलोड कर दूंगा, यानी कि वीडियो छोटा ही रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा रिकॉर्डिंग आपको एक साथ सुनाने की कोशिश करूंगा तो लगभग आधे घंटे या एक घंटे का वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं आपको आधा रिकॉर्डिंग अभी सुनाऊंगा फिर आधा रिकॉर्डिंग मैं कुछ देर बाद आपको अपलोड कर दूंगा। आइए चलते हैं वीडियो पर, रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि क्या बात हुई मेरे और सीआरसीएस के अधिकारी में। और एक बात बता दूं कि पहले हम रिकॉर्डिंग को सुनेंगे कि क्या उन्होंने कहा मेरे क्वेश्चन के जवाब में और फिर मैं आपको उसका उनका जवाब आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑडियो अच्छे से समझ में ना आए, क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे तो आसानी से समझ में आ रहा था, लेकिन हो सकता है कि आप जब सुन रहे हैं तो रिकॉर्डिंग अच्छा ना हुआ, आपको अच्छे समझ में ना आए, इसलिए उन्होंने क्या कहा मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ही के प्रश्न हैं जो आप हमसे बार बार पूछते थे जिसका जवाब मैंने सीआरसीएस से मांगा है। तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या था और क्या उन्होंने जवाब दिया था। सर अपना नाम तरणीय परिवार में आपका स्वागत है, आप किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी नमस्कार सर। नमस्कार, कुछ क्वेरीज है सर, थोड़ा उसका हमको जानकारी चाहिए था। मैं आपका नागेश कुमार चौबे हुआ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार सर, बक्सर से। बक्सर जी। पिन कोड बता दीजिए वहाँ का। 802101। सहारा से जो आपने स्कीम ली थी उसके बैंक में आपकी ब्रांच का कोड दिया होगा, 4 अंकों का ब्रांच कोड, वो बता दीजिएगा। जी 6556। 6556 जी। ये तुरहा टोली फ्रेंचाइजी से स्कीम ली थी आपकी? जी सर, तुरहा टोली से ही सारा स्कीम था मेरा। बताइए क्या जानकारी चाहेंगे? सर जानकारी चाहते हैं कि सर जैसे कि डिपॉजिटर का अगर सर डेथ हो गया है तो नॉमिनी क्लेम कैसे करेगा सर? देखिए उनके अगर 4 सोसाइटीज के अंतर्गत ये जो मेंशन की गई है अगर इसके अंतर्गत अगर स्कीम आती है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो फिलहाल अभी इसका आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई अपडेट हमारे पास नहीं है, जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको जानकारी दी जाएगी, पोर्टल में भी चेक करते रहेंगे आप तो इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसकी अपडेट नहीं आई है सर। यानी सर इस पे चर्चा चल रहा होगा सर ना, कि बहुत सारे डिपॉजिटर सर हैं जिनका अभी डेथ हो चुका है और पेमेंट सर उनका कैसे होगा, तो फिर इस पे अपडेट आएगा सर? बता रहा हूँ अभी जो जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना हमारा पहला क्वेश्चन था कि अगर डिपॉजिटर मर जाता है तो फिर नॉमिनी कैसे अपना आवेदन देगा, क्योंकि नॉमिनी के आवेदन का तो कोई प्रोसीजर है ही नहीं सीआरसीएस पोर्टल पे, तो नॉमिनी कैसे अपना वो आवेदन देगा। तो सीआरसीएस के अधिकारी से यही कहा गया कि अभी उनके पास भी ऐसा कोई अपडेट नहीं है, उन्होंने हमें राय दिया कि हम बार बार लॉगिन करके देखते रहें सीआरसीएस पोर्टल पे, हो सकता है कि इसमें नॉमिनी को आवेदन देने का जो पॉइंट है वो जोड़ दिया जाए और हम नॉमिनी आराम से आवेदन दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जैसा कि आपने अमित शाह जी का इंटरव्यू सुना होगा, उनका भाषण सुना होगा, उन्होंने उस भाषण में यही कहा था कि भारत के बहुत सारे ऐसे गरीब जनता है, रेवड़ी वाले हैं या फिर जो आपका शिक्षा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनका पैसा सहारा में जमा है और उनका पैसा सहारा में जमा है तो उनका पैसा सहारा में फंसा भी है, तो उस फंसे पैसे को निकालने के लिए अमित शाह ने एक पहल की। पहल क्या किया कि उन्होंने सहारा इंडिया के सारे ऑफिसर्स को
आरटीआई मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स को, फिर सेबी के सारे ऑफिसर्स को, फिर उन्होंने जो सीआरसीएस पोर्टल बना रहे थे जो विभाग, उनके अधिकारियों को एक साथ बैठा कर और ये समाधान निकाला और सुप्रीम कोर्ट से ये आज्ञा लिया कि वो 5,000 करोड़ रुपए जो है वह डिपॉजिटर को बांटेंगे। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब वहाँ पे सहारा के अधिकारी भी मौजूद थे, उनसे भी राय मशवरा लिया गया है, तो अमित शाह जी को ये भी राय मशवरा लेना चाहिए था कि डेट मैच्योरिटी कैसे पेमेंट होगा, क्योंकि सहारा इस बारे में भली भांति जानता है कि उनके यहाँ डेथ क्लेम हमेशा आते रहते हैं, तो उनको ये पॉइंट रखना चाहिए था कि डेथ क्लेम का भी यहाँ पे कोई प्रोसीजर दिया जाए ताकि वो अपना पेमेंट ले सकें। अरे जैसे हम 2012 से अभी तक रुके हुए हैं सहारा के पेमेंट के लिए, वैसे हम एक दो महीना और रुक जाते, हम रुक जाते, आप उसमें पोर्टल में जोड़ देते नॉमिनी के आवेदन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने डेट में छुट्टी को ख्याल में रखा ही नहीं, आपने जल्दीबाजी में साइट कैसे भी बना कर दे दिया कि लीजिए आप लोग झुनझुना बजाते रहिए। ये झुनझुना बजाना ही ना हुआ कि आप साइट कैसे भी बना दिए, ना उसमें नॉमिनी का कोई क्राइटेरिया है कि नॉमिनी कैसे आवेदन करेगा, ना कोई मिसमैच का है, ना कुछ है, कोई आपका क्राइटेरिया है ही नहीं, ना आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला, कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है कि पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, अपने वेबसाइट बना के छोड़ दिया कि आप जाइए और आवेदन करते रहिए। यही चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से क्या उठाया गया था और जवाब क्या मिला? सर एक और सवाल है, जी सर, जैसे नेम चेंज हो गया है आधार कार्ड में और पहले डिपॉजिट सर दूसरे नाम से था, मैंने अपना आधार कार्ड दूसरा नाम करवा लिया है, तो फिर कैसे हम क्लेम करेंगे? नेम चेंज हुआ मतलब क्या, पूरा नाम चेंज हुआ है? जी सर, वो पूरा नाम ही जैसे मोहन था अब सोहन हो गया है। हाँ तो फिर उसके लिए तो फिर आपको संपर्क करना पड़ेगा सर, क्योंकि उसमें आप आवेदन तो कर देंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में अगर गलती पाई जाती तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। जी तो सर आखिर इसका सर क्या सोल्यूशन होगा सर? इसलिए ब्रांच में संपर्क कीजिए, अगर बॉन्ड में गलती है तो बॉन्ड में आप चेक इसको सारा के बॉन्ड वहाँ वो कराइए, अदरवाइज आधार में गलती है तो आधार से आपको चेंज कराना होगा। और सर जैसे नाम चेंज होता है सर, तो अपडेट वगैरह बनवा के अगर हम अपने आवेदन के साथ अगर स्कैन करके और सर अपलोड कर दे तो फिर सर हो सकता है क्या? इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इसमें नाम चेंज का कोई ऐसा ऑप्शन होना है कि इसमें आप हर चीज अपलोड करेंगे। फॉर्म आपने प्रॉपर्ली दिखा है इसको? जी देखा है सर, मैंने फॉर्म को सर फिलअप किया भी है। हाँ तो उसमें तो कहीं ऐसे क्राइटेरिया ही नहीं कि नाम का आप चेंज करने कहीं एफिडेविट अपलोड करेंगे, उसमें ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम जो सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर दें उसी के साथ हम इसका स्कैन कर दें अपना उसमें बेसिकली आपके जो नॉर्मल डिटेल्स मांगी गई है वही आपको डालनी है, इसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद जान सही अगर फॉर्म सही पाया जाता है तो ओके होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी जैसा कि आपने सुना कि मेरा क्वेश्चन था कि अगर डिपॉजिटर के नाम में मिसमैच है या मान लीजिए कि नाम ही पूरा बदल गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सीआरसीएस के अधिकारी के द्वारा यही कहा गया कि अभी चूंकि इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अगर आवेदक जो है उसका बॉन्ड में अगर नाम में गलती है तो वो सहारा ऑफिस जाकर और बॉन्ड को अपना सुधरवा ले, या उसके आधार में अगर गलती है तो आधार सेंटर जाकर सुधरवा ले। अब दिक्कत यह है कि मान लीजिए अगर पहले मेरा नाम मोहन था, अब मेरा नाम सोहन हो गया है, तो मैं कहाँ चेंज करवाऊंगा? पहले मेरा आधार में नाम मोहन था, अब मेरा यहाँ पे सोहन हो गया है और सहारा के बॉन्ड पे मेरा मोहन ही है, तो मुझे जाकर सहारा ऑफिस में बात करनी होगी, बहुत जगह सहारा ऑफिस भी बंद है। अगर मान लीजिए ऑफिस खुला भी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है कि आपका नाम चेंज हुआ है और उस एफिडेविट को अपने सहारा ऑफिस में ले जाना है और वहां पे आपको एक आवेदन देना है कि मेरा बॉन्ड पे नाम मोहन से बदलकर सोहन कर दिया जाए। हो सकता है कि सहारा ऑफिस आपका आवेदन ले ले और कुछ दिन बाद आपको बुलाए और आपका नाम अपडेट करके एक नया सर्टिफिकेट आपको दे दे, तो ये प्रोसीजर है नाम चेंज होने के लिए, आप ऐसा कर सकते हैं। और सर अगर कोई अगर सर आउट ऑफ भारत का सर अगर डिपॉजिट हो तो वो किसे डिमांड करेगा सर? तो देखिए इसमें तो अभी तक जो अपडेट आई है उसमें आधार भी होना चाहिए, कस्टमर का आधार होना चाहिए। एक सर नेपाल के डिपॉजिटर, उनका सर आधार कार्ड नहीं है सर, तो वो फिर डिमांड कैसे कर पाएंगे? तो देखिए इसके रिगार्डिंग तो अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है सर, बेसिकली उसमें मांग ही उनकी दी गई है जो कि आधार कार्ड जिनका इंडिया का हो। मेरा अगला क्वेश्चन था, बहुत सारे मेरे वीडियो पर लोगों ने कमेंट किया था कि वो नेपाल से बिलोंग करते हैं और उन्होंने सहारा इंडिया का खाता खोला हुआ है, तो वो कैसे आवेदन करेंगे?
अब यहाँ पे चूंकि हमारा देश ही बदल जा रहा है, इसके बारे में जब हमने पूछा अधिकारी से तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड के बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो फिर नेपाल के लोग के पास तो आधार कार्ड है नहीं, तो वो कैसे आवेदन करेंगे। तो अभी अधिकारी के द्वारा यही कहा गया कि अभी आप वेट कीजिए, अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा तो फिर आपको सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि सहारा इंडिया के सारे अधिकारी ये जानते हैं कि उनके पास जमाकर्ता कौन कौन से देश से हैं, तो जब ये पोर्टल बन रहा था तो सहारा के अधिकारियों ने क्यों नहीं सीआरसीएस से कहा कि इसमें आप दूसरे देश के लोगों को भी आवेदन करने के लिए मौका दिया जाए। यानी कि सहारा और सीआरसीएस पोर्टल में कोई सामंजस्य था ही नहीं, जैसे मन वैसे सीआरसीएस ने अपना साइट बनाकर हमारे सामने लॉन्च कर दिया कि आप आवेदन कीजिए, बात तो यही हुआ ना। दोस्तों आज बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी मस्त रहिए, धन्यवाद।